हेलो गाइस, पिछली आज ही क्लास में देखते हैं मूल कंसेप्ट का अगला टॉपिक। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम मूल कंसेप्ट के बारे में बहुत से बात टॉपिक पर बात कर चुके हैं। अगर आप मूल कंसेप्ट का स्टार्टिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको मूल कंसेप्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से बात करते हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता कर सकते हैं, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल कंसेप्ट के माध्यम से कैसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है कि 1.6 ग्राम मिथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। चलिए देखते हैं कैसे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा CH4। देखिए CH4 क्या है, यहाँ पर CH4 जो है मोलिक्यूल है, क्या है CH4 मोलिक्यूल है। तो निकालेंगे CH4 का मोलिक्यूलर मास। क्या निकालेंगे सबसे पहले निकालेंगे मोलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 का मोलिक्यूलर मास निकालेंगे। कार्बन में कितना होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1 × 4, हाइड्रोजन का 1 होता है 4 एटम है, तो 12 + 4 हो जाएगा 16। यानी कि CH4 यानी कि मीथेन का मोलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान 16 आ गया। आपको निकालना पड़ेगा मोल, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम में मोलिकुलर मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम, ग्राम में मास कितना दिया है, 1.6 दिया है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1.6। ठीक है, 1.6 हो गया। अब यहाँ पर मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना है 16 है, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं, 1/10 आ जाएगा। काटने पर दशमलव हटाएंगे 0 आएगा, 1/10 आ जाएगा। अब देखिए CH4 क्या है, CH4 आपको मोलिक्यूल्स है, तो मोलिक्यूल्स में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा मोल कंसेप्ट के माध्यम से, हम ये भी बता चुके हैं। इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो। एवोगाड्रो होता है 6.0 × 10³ होता है। तो एवोगाड्रो नंबर में क्या करें, गुणा करें, मोल आया आपको 1/10 और एवोगाड्रो हो गया 6.0 × 10³ 23। इसे काट सकते हैं, बचेगा आपको 6.022 × 10²² मोलिक्यूल्स, 10²² मोलिक्यूल्स, यानी कि आपको इतना मोलिक्यूल्स हो गए। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट लेना पड़ेगा। कंसेप्ट का नाम क्या है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लेगा कि जब जब कोई एलिमेंट हो या एटम हो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे CH4 लिखेंगे, चूंकि एक मोलिक्यूल CH4 बराबर, एक मोलिक्यूल CH4 या CH4 मोलिक्यूल है, अणु है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 × 4, यानी कि 6×10 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी एक मोलिक्यूल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मोलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो गुणा कर देंगे, लेकिन इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, ठीक है, 10 आ गया, 10 से गुणा कर देंगे जो आपका आंसर आया।
दस की पावर 22। तो ये आपको 6.002 हो गया, 22 21, 10 की पावर 23 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल जरूर प्रेस कर लेंगे। और मैं व्यवहार में करता हूँ, अगर आप प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं, या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्ले लिस्ट दिया गया है, वहाँ से एक वीडियो पकड़ के वॉच कर लीजिए। बेस्ट अपना गुड बाय, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।